कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित ताड़ोकी इलाके में बीती रात पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। लगभग एक घंटे तक दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में पुलिस ने कई नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। एसपी सलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। बलौदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा समेत 16 पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक ने न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र की जनसुनवाई में कल प्रदर्शन किया था। विधायक पर पुलिस ने तोड़फोड़, गाली गलौज समेत कई मामले में एफआईआर दर्ज की है। उदय पुलिस ने पाटन से दुर्ग लोहे की सेंटरिंग प्लेट एवं लोहे की पाइप रखकर ले जा रहे ऑटो को घेराबंदी कर पकड़ लिया। ऑटो में रखे 6 नग सेंटरिंग प्लेट, कुल वजन 240 किलोग्राम एवं पाइप 2 नग 15 किलोग्राम। घटना में प्रयुक्त वाहन सवारी ऑटो को भी जब्त किया गया है। भिलाई आईआईटी के निर्माणाधीन कैंपस कुटेला भाटा में एक मजदूर की काम के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ अपराध कायम किया है। आईआईटी भवन निर्माण के लिए ठेकेदार अबू कलाम शेख के अधीन काम करने वाला अकुशल मजदूर अबुल हुसैन के गर्दन के पीछे लोहे का सेंटरिंग गिरने से गंभीर चोट आई थी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिला पामगढ़ थाना क्षेत्र में हुए एक हादसे में पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी पेट्रोल पंप पर ही लोहे की मेज पर चढ़कर झंडा लगा रहा था, तभी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से कर्मचारी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। बिलासपुर जिले की सिविल लाइन थाना व नारकोटिक सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीदी बिक्री करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 1000 नग कोडीन युक्त कफ सिरप, कीमत 1,50,000 रुपए सहित बिक्री रकम, कार एवं मोटरसाइकिल को जब्त किया है। धमतरी जिले की बोरे थाना पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने लगभग 85 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों ने नायाब तरीके से गांजा ले जा रहे थे। तस्करों ने कार की हेडलाइट और डैशबोर्ड के अंदर 17 लाख का गांजा भरकर तस्करी कर रहे थे। देश भर में उठाई गिरी चोरी करने वाले आंध्र प्रदेश के 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को रायपुर की मौदापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौदापारा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल की डिक्की से 1,70,000 रुपए नगद रकम चोरी करने की घटना को आरोपियों द्वारा दिया गया था अंजाम। रायगढ़ जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मी हाइट से चोरी की गई बाइक को बेचने के फिराक में घूम रहे युवक मनोज साहू को पकड़कर उसके पास से चोरी की बाइक को जब्त किया गया है। रायगढ़ जिले की जूटमिल चौकी पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक चालक की गर्दन में चाकू अड़ाकर मोबाइल व नगद 3,000 रुपए लूटकर फरार होने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का मशरूका बरामद किया है। खुर्सीपार के श्रीराम चौक में स्थित बजरंग सीमेंट सेंटर के सामने खड़ी ऑटो को चोरी कर भाग रहे आरोपी को रात्रि गश्त पेट्रोलिंग पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्स से ऑटो को शिवालय के पास जन सहयोग से घेराबंदी कर सुपेला निवासी चोर ज्योतिष यादव को रंगे हाथों पकड़कर ऑटो को जब्त किया है। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस ने नाबालिग युवती से छेड़छाड़ कर उससे शादी करने के लिए परेशान कर गाली गलौज करने वाले आरोपी अजय नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गृह मंत्री और एसपी को गाली देने वाले कांग्रेस नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कर्मियों को गाली गलौज और प्रदेश के मंत्री को औकात दिखाने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर आरोपी ललित साहू को डोंगर गांव के रास्ते भागते समय गिरफ्तार किया है।
राजनांदगांव में अपने ही घर से लाखों का जेवरात चोरी करने वाले आरोपी जयस को राजनांदगांव जिले की पुलिस ने जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। चोरी का सामान खरीदने वाले महावीर ज्वेलर्स के दो संचालक आरोपी सगे भाई गौतम बैद और महावीर बैद को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से लगभग 20 तोला सोने के जेवरात कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए को जब्त किया गया है। बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने बच्चों को नशे के लिए सोल्यूशन बेचने वाली महिला को 25 नग सोल्यूशन के साथ पकड़कर आरोपी महिला के कब्जे से 39 पाव देसी शराब भी जब्त की गई है। आरोपी महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुंगेली के गोविंद पेट्रोल पंप के पास साई ट्रस्ट के नाम पर भोले भाले ग्रामीण व्यक्तियों को फर्जी नौकरी लगाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन के तौर पर 1500-1500 रुपए की वसूली करने वाले साई ट्रस्ट के संचालक गण राम कुमार गर्दौ, भरत चौहान, रोहित चौहान, राहुल चौहान, लक्ष्मी कुमार पटेल एवं दिलीप सोनवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना इलाके में पुलिस ने गांजा बेचते एक महिला तस्कर को 3 किलो 935 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर सूचना मिली थी कि एक महिला ईदगाह भाटा गली में बैठकर गांजा बेच रही है। पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर महिला को घेराबंदी कर पकड़ लिया। कोरबा जिले के उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत लैंको पावर प्लांट में शुक्रवार को हुए हादसे में एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। ठेका श्रमिक की मौत को लेकर मजदूरों में आक्रोश फूट पड़ा और मजदूरों की मौत के मामले को लेकर ठेका श्रमिकों ने संयंत्र के भीतर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिलासपुर जिला कोटला थाना क्षेत्र में भैंसाझार के जंगल से वन विकास निगम के अधिकारियों ने मुखबिर की सूचना पर 4 बड़ी इमारती लकड़ी के गोलों को ट्रेलर में क्रेन पेडलर के माध्यम से भरते हुए पकड़ा। इमारती लकड़ी के 4 गोले बरामद हुए हैं, साथ में एक ट्रेलर तथा क्रेन पेडलर को भी जब्त किया गया। सारंगढ़ आबकारी विभाग एक्शन मोड में नजर आ रही है। आबकारी विभाग की टीम महुआ शराब की अवैध तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने की मुहिम छेड़ दी। शुक्रवार को ही मुखबिर की सूचना पर किमर लगा निवासी टेमराम सिदार को उसके घर से 40 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने चित्रकोट रोड बिनाका माल के पास अवैध रूप से शराब बिक्री करने मोटरसाइकिल से शराब लेकर जा रहे मनोज कुमार नामक युवक को पकड़कर उसके कब्जे से 7,260 रुपए कीमत की शराब जब्त की है। राजनांदगांव की पुलिस ने पुराने सटोरी और सट्टे का ही धंधा चलाने वाले एक सरगना को पकड़ा है। अक्सर ये पुलिस को चकमा देकर भाग जाया करता था। राजनांदगांव के सातिर का नाम राजेश मंधानी उर्फ बाटू है। पुलिस को इसके पास से 1,20,000 रुपए जब्त किए हैं। राजनांदगांव जिले के पेंड्रे स्थित मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र मनदीप और छात्रा गर्मियों से शाम को टहल रहे थे। इसी बीच मनचलों के झुंड से विवाद हो गया। मनचलों ने अपने पास रखे लोहे के राड से छात्र मनदीप मीणा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस ने देर रात हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद पुलिस ने शराब कोची और जुआ सट्टा में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बालोद क्षेत्र के ग्राम पाररास जगतरा जामगांव और खल्लारी के शराब कोचियों के विरुद्ध अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बेमेतरा जिला की थानखमरिया पुलिस ने एक युवक को 30 पवा शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नवा गांव कला से ठरकपुर मेन रोड की ओर मोटरसाइकिल से शराब लेकर जा रहा था। इस पर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जगदलपुर शहर के 444 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फ्लैट क्रमांक 389 में मां और बेटे के शव को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने मकान समेत अमिताभ का बालाजी मंदिर के सामने स्थित दफ्तर सील कर दिया है। मौके से उल्टी के सैंपल व दवा फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। धमतरी पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 मोटरसाइकिल जब्त की है।
आरोपियों से एक एक्टिवा और 7 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। आरोपी बस में बैठकर धमतरी जाते थे और बाइक चोरी कर भाग जाते थे। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी जमा राशि नहीं लौटाने पर सहारा में निवेश करने वालों ने शुक्रवार को सहारा को ऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ता, निवेशक, सहारा प्रमुख, क्षेत्रीय अधिकारी सहित जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर महासमुंद कोतवाली थाना का घेराव कर दिया। जांजगीर जिले की पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी जिला अध्यक्ष केंद्रीय मानवाधिकार युवा प्रकोष्ठ का नेम प्लेट लगी कार से घूम रहे थे। अधिक आर्थिक लाभ का लालच देकर लोगों को रुपया ऐंठने के मामले में जसपुर जिले की पत्थरगांव पुलिस ने चिटफंड कंपनी गुरु कृपा इंफ्रा लिमिटेड के फरार संचालक दिलीप देवांगन को 12 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। गुरु कृपा इंफ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी में करीब 800 लोगों ने 2,55,30,000 रुपए जमा कराए थे। राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव से कांग्रेस विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू ने अपनी ही पत्नी को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि 5 लाख रुपए दिलवा डाली। बीजेपी ने इस मामले को लेकर विधायक का पुतला जलाया।